मैंने आपसे कहा ना, खाली नमाज से आप मोमिन नहीं होने वाले, ये सबको पता है हम सबको। नमाज है मौलवी हो जाएंगे, मोमिन नहीं होंगे। मोमिन तब होंगे जब रास्तबाजी आएगी, सीधी बात करने की हिम्मत आएगी आपके अंदर। ठीक है, लोग आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। मोमिन से हर इंसान डरता है, यहाँ तक कि मोमिन से दूसरा मोमिन भी डरता है, याद रखना। मोमिन इतनी जर्री चीज़ होती है, आम बंदे की तो कोई औकात ही नहीं ना। मोमिन दूसरा मोमिन से कैसे डरता है कि मैं इसके होते हुए अपना स्टैंडर्ड कहीं, मेरा स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है इस वक्त, समझे। इस लेवल का एक टेरर होता है एक मोमिन का, कि इस बंदे से कोई कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कॉम्प्रोमाइज की। मैं अभी एक बंदे से, मेरे क्लाइंट में बात कर रहा था, तो मैंने कहते कि यार मेरी बीवी के साथ मसाइल हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार वो आजकल ना वेबसाइट खोली होती है तो हर तरह की तस्वीर आ जाती है वेबसाइट पर। तो सर्च इंजन खोला था मैंने, तो मेरी बीवी कमरे में आई और कहती क्या बेहया किस्म की वेबसाइट खोली हुई है, और उसने चाय उठा के लैपटॉप पे फेंक दी। मैंने कहा कितने दफ़ा हुआ वाकई? कहता यार 3-4 दफ़ा हुआ है। 3-4 दफ़ा खोलेगा वेबसाइट तो बीवी को शक ही होगा फिर। मगर तेरी बीवी के ने ये जो बात की है ना, उसका तरीका शायद गलत हो। काश कि ऐसी बीवियां हम सबको मिलें कि जिनके होते हुए हम किसी किस्म की ऐसी वैसी साइट नहीं खोल सकते। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, आप ही की इस रोड के एंड पे है, छोड़ दें आप वीडियो, पता नहीं कहाँ कहाँ जानी है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मास्टर्स की क्लास है, MBA की क्लास है लिटरली यार। तो लड़के इस तरह बिठाए हुए, लड़कियाँ उस तरह बिठाई हुई, मैं गया हूँ। और ये अभी का वाक्य नहीं, पुराना वाक्य, मतलब 2 साल हो गए इस वाक्य को। और लड़के ने एक ताई कोई फाश किस्म की वेबसाइट लैपटॉप पे खोली हुई और बैठा हुआ बस साइड पे, और मुझे देख के ऐसे ऐसे कर रहा था। तो कुछ ज़्यादा ही मैं किसी को पसंद आ जाऊँ ये भी नहीं हो सकता ना। तो मुझे भी शक हो गया कि इतना तुझे मुस्कुराहट आ रही है मुझे देख के। तो मैं बात करते करते एंड तक गया हॉल के, और मैंने देखा कि क्या तू लैपटॉप के, तो चला रहा था काम अपना पूरा कर रहा है। मैंने कहा खड़े हो जाओ बेटा, सुनो क्या चाहते हो दुनिया से? कहता मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैंने कहा तुम, मैं लेक्चर के लिए आया हूँ, तुम यूनिवर्सिटी में आए हो, कोई तो कोई को मामला होगा, दुनिया से क्या चाहते हो, ये तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर। मैंने कहा मैं बता दूं क्या कर रहे हो? कहता नहीं सर। मैंने कहा तो पर छोड़ो इस बात को कि तुम क्या कर, व्हाई आर यू डूइंग दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? तो मैंने तेरा पर्दा तो नहीं उठाना। मैंने इतने में लड़कों में शोर शुरू हो गया, लड़कियों में भी, कि हो मैंने लड़कियों की तरह देखा तुम्हें क्या है? पता चला सर वो भाभी कमरे में है, उस लड़के की होने वाली बीवी लड़कियों के सेक्शन में बैठी हुई है। एंड शी सेड सर लड़कों ने मुझे बताया ना कि सर वो लड़कियों भी बताएंगे सर ये उनका क्या चाहते का आंसर ये बैठा हुआ है, ये चाहता है दुनिया में, वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं बाबा पूछ रहा ना दुनिया से क्या चाहते हो जी, ये चाहता है। एना से तेरी होने वाली बीवी कमरे में मौजूद है, तुझे उसको पता है कि तू क्या कर रहा है? कहता जी सर उसको पता है, आप उसकी टेंशन ना लें। एंड आई लुक्ड एट द गर्ल, एना से तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? कहती हाँ सर लड़के ऐसे ही होते हैं। तेरे पास लड़के ऐसे होते होंगे भाई, हमारे पास लड़के ऐसे नहीं होते। और ये है वो औरत जिसकी वजह से लोस, जिसको मैं कमजोर कह रहा हूं, जिसकी वजह से बुजदिल बच्चा पैदा होगा तेरे घर, तेरे लो स्टैंडर्ड्स की वजह से तेरे बच्चा और भी लो स्टैंडर्ड पैदा होगा। तूने कॉम्प्रोमाइज किया भाई, बंदा ऐसा है। तेरे होते हुए तो इसके चक्के छूट जाने चाहिए कि मैं इसके होते हुए क्या किसी चीज कर रहा हूं। सो बहुत गौर से समझना, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें हमारे घर के अंदर हमारा माहौल लिफ्ट करने के लिए होती हैं। उनके होते हुए गाली नहीं निकलती मुंह से किसी गाली गलोच बंदे की। आपने नोट नहीं किया कितना मर्जी बड़ा गाली गलोच वाला बंदा हो, औरतों को देख के चुप औरत कि नहीं नहीं यार यहाँ पे नहीं। इस लेवल की बरकत अल्लाह ने अभी भी औरत में रखी हुई है कि वो अपनी सेंक्टिटी को बरकरार रखती, ग्रेस उसकी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। मोहल्ले को छोड़ें और रोड के ऊपर भी कोई लड़ाई हो जाए और लड़की हो तो पीछे हो जाते हैं लोग कि नहीं यार कोई एक इस लेवल पे नहीं मैं जा रहा कि एक लड़की के साथ मैं कोई नज़ेबा हरकत, वो भी दस्त दराजी कर दूँ, कोई हाथ उठा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो घरों में अंदर अगर माहौल नहीं इंटैक्ट हो रहा तो बाहर तो फिर गदर मचना ही मचना है। सोचें जरा कि जिसने उस स्टैंडर्ड को ब्रीच कर दिया है कि मैं बेगम के सामने होते हुए कि नज़ेबा वेबसाइट खोल रहा हूँ, उससे क्या बईद होनी कि वो क्या करेगा दुनिया में? वो तो चलता फिरता बिल बोर्ड ऐसी कामों का, उसको तो शर्म आया बिल्कुल ही खत्म हो गई। मगर चलें उसको तो हो गई, अब जब वो बच्चों की परवरिश हो रही है तो माँ ने पहले ही एक्सपेक्ट किया, यहाँ आदमी तो होता ही ऐसा है। किसने कहा आदमी ऐसा होता है?
Somebody told her, convinced her. वो कमजोर थी, मान गई बस. कमजोरी लोग ऐसी बात मानते हैं, नहीं तो आप कह के दिखाएं किसी को, लग पता जाएगा कि ताकतवर बंदा जवाब कह देता है कि क्या खोला है तूने मेरे सामने, क्या कर रहे हो मेरे सामने. अरे हम तो किसी लेवल के ऊपर, ये क्या नाम था उनका, खादिम साहब, रिजवी साहब, पूरी कौम उनको इसलिए नहीं फॉलो कर रही, आधी कौम तो गाली को देता है. बाकी के 99% बातें डिलीट कर दो, क्यों गाली देती. कई जगह पे तो बनती भी नहीं, जाने देते थे ना गाली. कोई भी होता था जिन चीजों में उन्होंने दिए, कोई भी होता वहां पर दलगारी चीज. मगर चले किस लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि अल्लाह का काम मानने वाला बंदा है तो तुझसे हल्की सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, स्टैंडर्ड नहीं कॉम्प्रोमाइज होने देंगे तेरा. इतनी सेंसिटिव चीज है कि अल्लाह रसूल की बात हो रही है तो कौम साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में चली जाती है कि नहीं 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 ये कैसी बात करते करते गाली क्यों दे दी. टीवी बंद कर दिए लोगों ने, उनके खिलाफ शुरू कर दिया कि नहीं ये क्या बात की. कितना कोई हाई स्टैंडर्ड अल्लाह ताला का निज़ाम खुद अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करता है. सो जिस वक्त आपके स्टैंडर्ड्स मैच्योर हो जाएंगे, लोगों ने आपके आने से पहले सफाइयाँ करनी है. ये होता है मोमिन का लाइफस्टाइल. कमरा पहले से साफ हो रहा होगा, दोस्त होंगे आपके, चीज़ें छुपा रहे होंगे, जैसे कोई साहब ही एंटर होने लगा. ये वक्त आ सकता है आप में से, 4 या 5 दिन कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाएं, देखें आपके माहौल में कैसे करेक्शन शुरू हो जाएगी. आपके सगे दोस्त, बचपन के दोस्त भी सिगरेट छुपा रहे होंगे तो चीज़ें छुपा रहे होंगे, कहेगा वो दोस्त आ रहे यार उसके सामने.